महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शनिवार को जेल टूरिज्म की शुरुआत करने का ऐलान किया। नागपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते समय देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पुणे के यरवदा जेल में जेल टूरिज्म से इसकी शुरुआत करेंगे। अनिल देशमुख के मुताबिक महाराष्ट्र में जेल पर्यटन की शुरुआत फिलहाल पुणे की यरवदा जेल से ही की जाएगी। बता दें कि यह जेल आजादी से पहले और बाद में भी कई ऐतिहासिक घटनाओं की चश्मदीद रही है। महाराष्ट्र के कई कारागार स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षी रहे हैं। इन जेलों में उस समय की सभी स्मृतियों को संजोकर भी रखा गया है। पुणे की यरवदा जेल स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में काफी चर्चित रही है। 1922 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक लेख लिखने के आरोप में साबरमती आश्रम से गिरफ्तार करके यरवदा जेल में ही रखा गया था। इसके बाद 1932 में गांधी जी को मुंबई से गिरफ्तार करके यरवदा जेल में लाया गया। इस जेल में उन्होंने फ्रॉम यरवदा मंदिर नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। महात्मा गांधी के अलावा यरवदा जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रखा जा चुका है। महात्मा गांधी के बैरक को इस जेल में विशेष रूप से सवार कर रखा गया है। यहाँ के कैदियों के लिए साल भर का एक कोर्स चलाया जाता है जिसमें गांधी के विचारों की जानकारी दी जाती है। वहीं 1992 के मुंबई धमाकों के दौरान घर में हथियार रखने के आरोप में सजा पाए अभिनेता संजय दत्त को भी इसी जेल में लंबा समय गुजारना पड़ा था। इसी के साथ मुंबई पर हमला करने आए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी इसी जेल में दी गई थी। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शुभता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।